पुनः ब्रह्म मुहूर्त पर अर्घ्य समाप्ति के साथ सभी प्रति जल में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए भगवान धरतल के उदयाचल रूप होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अग्निना दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। यह व्रत विसर्जन ब्राह्मण दक्षिणा एवं पान के पश्चात पूर्ण होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ्यपूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आह्वान एवं पूजन करते हैं। पुनः भगवान सूर्य नारायण को सभी प्रति माताएं अर्घ्य देंगे। अर्घ्य का भी समय हो गया है, तो उपरांत हवन की व्यवस्था है पंडित जी के पास में, तो जो भी माताएं हवन करना चाहेंगे तो हवन भी करेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयामि देवा भद्रं पश्ये माक्षवरायन्द्राः तिथियों के क्षय एवं वृद्धि का भी हमें कौन सी षष्ठी तिथि ग्रह है, इस विषय पर भी धर्म शास्त्रीय दृष्टि से सांग गोपांग चर्चा की गई है और अनेक प्रमाणिक स्मृति ग्रंथों से उसका प्रमाण भी दिए गए हैं। यह कार्य पति पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य ही कर सकता है। घर से बाहर तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर Yeah.
लक्ष्मी कुमार जी, राम कुमार जी, विनय झा जी और सूरज झा जी, उमेश जी, नेहा तिवारी, आईके चौधरी, ये सब कमेटी के लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके हर मौके पर आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।